कैसे हैं आप सब। मैं पूजा, आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर श्री करणी एकेडमी एंड एजुकेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज से आप मेरे साथ सोशल साइंस यानी समकालीन भारत की जो ज्योग्राफी की बुक है उसके चैप्टर्स पढ़ेंगे, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए पढ़ना हमें सब कुछ है, हमें हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, मतलब नाइन्थ की जो सोशल साइंस है वो पूरी कवर करनी है। ठीक है, लेकिन शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? शुरुआत हम कर रहे हैं समकालीन भारत की जो ज्योग्राफी की बुक है उसके पहले चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जो आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भूगोल का, ठीक है, भारत की आकार और स्थिति, मतलब भारत कहाँ है, क्या इसकी अक्षांश स्थिति है, देशांतरीय स्थिति क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कौन से महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप में इसकी क्या स्थिति है, एशिया के पश्चिम में, दक्षिण में, कहाँ कहाँ स्थित है। फिर हम देखेंगे कि कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, भारत के किन राज्यों से। फिर आगे हम देखेंगे कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और बहुत कुछ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा अपने इंडिया में जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, कहाँ कौन कौन से देश से सीमाएं लगती है, आपका राज्य कहाँ स्थित है, आपके राज्य के आसपास और अदर कौन से स्टेट हैं एंड बहुत कुछ। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, शुरुआत करने से पहले मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, जिससे वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और आज का हमारा कोट ऑफ द डे क्या है, देखिए स्टूडेंट, मैं हर वीडियो के स्टार्ट में एक मोटिवेशन कोट से हम शुरुआत करेंगे। क्यों? इससे क्या होता है ना कि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हमें पढ़ने का एक होता है ना, बच्चे हैं कभी बार हमारा मन करता है वीडियोज़ देख लें, गेम्स, फ़ोन, तो थोड़ा अपनी पढ़ाई पर फोकस रहने के लिए हल्का सा डोज मोटिवेशन का क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो आज का हमारा कोट क्या है, देखिए किसने लिखा है, इन सबको तो आप जानते ही हैं, हमारे महान राष्ट्रपति जो रह चुके हैं अब्दुल कलाम, क्या लिखते हैं कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ठीक है, चमकना है, सन की तरह शाइन करना है तो पहले जलना पड़ेगा। सूरज में कितनी गर्मी होती है आपको पता है, ज़्यादा देर धूप में बैठते तो हमें नहीं बैठा जाता। इसलिए अगर आपको लाना है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको क्लास में टॉप करना है, आपको सबसे आगे रहना है, आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, देन यू हैव टू स्टडी। आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बैलेंस करके चलना पड़ेगा अपने गेम्स में, स्टडीज़ में और सब में। ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ में तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको चमकना है तो पहले थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी पढ़ाई, अपने गेम्स को थोड़ा कम करना, ये सब करना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए हम अपने चैप्टर की ओर वापस, वही भारत की स्थिति और आकार। ठीक है, देखिए भारत की स्थिति से शुरुआत करते हैं कि कहाँ लोकेट है, इंडिया की लोकेशन क्या है। तो देखिए भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, आप पता ही है आप कहाँ रहते हैं और अदर एंड कितने सारे, उत्तर में जम्मू से लगा के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, कितना बड़ा इंडिया है। ठीक है, और ये कौन से गोलार्ध में स्थित है, देखिए क्या लिखा है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, देखिए गोलार्ध क्या होता है ये समझना पड़ेगा, फिर देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध का क्या अर्थ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करते हुए आगे चलना है। पहले मैं आपको ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ के एक बार बता देती हूँ, फिर हम इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इसका जो मुख्य भाग है, मतलब जो मेन लैंड है, समुद्र नहीं सिर्फ स्थल का भाग, वो कहाँ कहाँ है, 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये तो इसका अक्षांशीय विस्तार बता रहे हैं। ठीक है, फिर इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, मतलब ईस्ट से लेके 97 डिग्री एंड 25 मिनट पूर्व देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। कन्फ्यूज हुए होंगे ना थोड़ा सा कि मैम ये क्या अक्षांश देशांतर बता रही है और क्या मैम 8 डिग्री 4 मिनट, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, आपको अभी जितना मैं पढ़ा रही हूँ पढ़िए, देखिए अभी मैं आपको डायग्राम्स के माध्यम से सारा क्लियर करूँगी। ठीक है, आपको ये याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्ट है, ये कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती है, उन्हें हमें याद रखना पड़ता है, जैसे इसका विस्तार कितना है, पूर्वी और उत्तरी अक्षांशीय विस्तार।
फिर कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तर से देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में मतलब साउथ में और ईस्ट में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, जो ये भारत है ना, भारत की जो ये स्थिति है ना, इसके इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है अरब सागर, ठीक है, अरेबियन सी इस तरफ है एंड बे ऑफ बंगाल किस तरफ है, पूर्व की तरफ। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए अब मैं वापस पढ़ रही हूँ, मुख्य भूभाग ये रही मेन लैंड आपकी जो मुख्य भूभाग है कि दक्षिण पूर्व में, ये रहा दक्षिण और ये रहा पूर्व में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, देखिए लिखा है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम में, ये रहा दक्षिण, ये रहा इस तरफ पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, यहाँ छोटे छोटे अंडमान निकोबार की तरह कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप, और ये कहाँ स्थित है, ये आपके अरब सागर में स्थित है, और ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये कहाँ स्थित है, अंडमान व निकोबार ये कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यही ये लाइन जो है ना यहाँ से ये आपको यही बता रही है कि स्थिति क्या है लक्षद्वीप की, कि वो अरब सागर में स्थित है, स्थिति क्या है अंडमान और निकोबार की, तो वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं ये लाइनों में लिखा हुआ है, बट आपको क्या है कि लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में, अरब सागर कहाँ है तो भारत के पश्चिम में, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है तो भारत के मुख्य भाग के पूर्व में, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सब कुछ, ठीक है। अब देखिए ऊपर मैंने आपको कुछ बोला था कि मैं अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको बताऊंगी, तो यहाँ मैं थोड़ा बताती हूँ आपको क्या है, देखिए ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, गोल सी, गोल तो नहीं बनी हालांकि मुझसे, लेकिन देखिए पृथ्वी, ये जो पृथ्वी को ध्यान से देखिए जो दो बराबर भागों में बांट रही है, एक रेखा मैंने खींची है आड़ी रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, 0 डिग्री अक्षांश, कौन सी, पृथ्वी के बीचों बीच में जो रेखा मैंने खींची आड़ी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश जो पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित कर देती है, ठीक है, कौन कौन सा भाग, उत्तरी भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश के जो ऊपर में है वो हुआ उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और जो दक्षिण में हुआ, इस रेखा के जो नीचे दक्षिण में स्थित है वो हुआ दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला कि भारत कहाँ स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो आपको मैं ये पूछूं कि बताइए भारत 0 डिग्री इस रेखा के ऊपर स्थित होगा या नीचे, तो आप क्या बोलेंगे, मैम ऊपर स्थित होगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध तो ऊपर की तरफ है, राइट। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ, उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री अक्षांश के जो ऊपर की ओर है उसको उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी, तो भारत यहाँ स्थित है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा है, अब इसका हमने और भी आगे अक्षांश, ये देखिए ये जो आपकी मैंने पृथ्वी, ये अक्षांश है 0 डिग्री, ठीक है, इसके समानांतर मैं अगर कुछ आड़ी रेखाएं खींचूं इस तरह, ठीक है, देख पा रहे हैं आप ये, तो ये आड़ी रेखाएं जो मैंने खींची 0 डिग्री अक्षांश के समांतर उत्तर में भी और दक्षिण में भी, तो इन्हें क्या कहेंगे आप, ये जो आड़ी रेखाएं हैं इन्हें बोला जाता है अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है, अक्षांश बोला जाता है अलग अलग, ठीक है, ये नीचे भी अक्षांश, इन रेखाओं को अक्षांश बोला जाता है, ठीक है। और जो इस तरह देखिए किस तरह कि ये जो उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, ये यहाँ पे ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और ये जो नीचे है दक्षिणी ध्रुव जिसको साउथ पोल भी बोलते हैं, इससे इसको मिलाने वाली जो लंबी रेखाएं खींची जा रही है ग्लोब पे, पृथ्वी के भूभाग पे, इनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड देशांतर लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो पृथ्वी है ना वो अक्षांश मतलब आड़ी रेखाएं, देशांतर मतलब लंबवत लंबी रेखा, उनसे पूरी पूरी जो पृथ्वी है वो बटी हुई है। अब ये जो 0 डिग्री, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को
अच्छे से दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह उत्तरी गोलार्ध में जो ये वाली है ना, यहाँ पे भारत स्थित है, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन वो भी पूर्व में है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की तरफ। ये देख पा रहे हैं ना आप, इस तरफ पूर्व होता है, ये होता है आपका ऊपर उत्तर, फिर दक्षिण, फिर इधर पूर्व और इधर पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमारा जो भारत है वो यहाँ, ठीक है, उत्तर में भी है और पश्चिम में भी, यहाँ हमारा भारत अगर पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो यहाँ स्थित है, ठीक है। अब इसका विस्तार बताया हुआ है, जो ये बताया हुआ है ना, 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, मतलब इस तरह 8 डिग्री यहाँ पे हो गई, 8 डिग्री और 4 मिनट, सॉरी यहाँ नीचे की तरफ 8 डिग्री और 4 मिनट से लेके ये 37 डिग्री और 6 मिनट, ये फिर ये इसका देशांतरीय विस्तार हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह अक्षांश और देशांतर रेखाएं के संदर्भ में ये जो बताया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया आड़ी रेखाएं अक्षांश, लंबवत रेखाएं क्या होती है, देशांतरीय रेखाएं होती है, ठीक है। जो ये अक्षांश होती है ना, ये पूरी पृथ्वी पे कितनी होती हैं, अगर आपको पूछ ले तो आप बोलेंगे कितनी पूरी रेखाएं हैं, 181, ठीक है। ये जो एक इसको छोड़ दे तो 90 इधर है, 90 इधर है, और एक ये जो विषुवत रेखा इसको मान ले तो कितनी रेखाएं हो गई अक्षांशीय, 181, ठीक है। और इसी तरह ये लंबवत जो देशांतरीय रेखाएं हैं ये कितनी हो जाती है, ये आपकी टोटल हो जाती है 360, कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है, ठीक है। पता है देशांतरीय रेखाएं पूरा एक पृथ्वी पे ऐसे ग्लोब पूरा सर्कल बनाती है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से जा रही है, फिर ये पीछे से भी वापस ऐसे गोल घूम के यहाँ पे और यहाँ पे मिलती है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे मिल जाती है। तो ये हमारा विस्तार है, किसका, भारत का विस्तार है। समझ में आया, कुछ नहीं, मैंने आपको सिर्फ 3 पॉइंट अभी तक क्लियर किए हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो आप बोलेंगे कि मैम 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। फिर मैंने आपको बताया कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, लेकिन उससे पहले ये देखा हमने कि अक्षांश और देशांतर रेखाएँ होती क्या है। अक्षांश अ से अक्षांश, अ से आड़ी रेखाएं, क्लियर, अगर किसी को याद नहीं रहे तो। मुझे भी बहुत कंफ्यूज होता था अक्षांश देशांतर में, तो मैंने इसी तरह याद किया, अ से अक्षांश, अ से आड़ी रेखाएं, तो क्लियर हो गया, जो जो ऐसे समांतर है वो अक्षांश है, बची हुई देशांतर हो गई, ठीक है। कितनी है ये देखा हमने, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। उसके बाद ये आपको याद रखना पड़ेगा इसका जो विस्तार है। फिर एक चीज़ मैंने आपको बताई कि ये भारत का जो मुख्य भूभाग है इसके पश्चिम की तरफ, ठीक है, इसके पश्चिम की तरफ तो है अरब सागर जिसपे लक्षद्वीप समूह स्थित है। फिर मैंने बताया कि पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी स्थित है भारत के मुख्य भूभाग के पूर्व में, और उसमें कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। चलो अब अगला देखते हैं आगे हमें क्या देखना है, ठीक है। ये देखिए मैप के थ्रू थोड़ा मैंने आपको समझाने का, ये देखिए पूरा पृथ्वी का जो देखिए 37 डिग्री 6 नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश, ठीक है, आपको यहाँ इंग्लिश में लिखा है लेकिन आप हिंदी में से उत्तरी अक्षांश स्थिति, ठीक है, भारत की। और ये जो दक्षिण में देखिए आप, इसमें शायद दिख नहीं रहा, ये जो पॉइंट है ना, ये 8 डिग्री और 4 मिनट, ये भी आपका उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। क्यों मैम, ये तो उत्तर की तरफ है, ये तो दक्षिण की तरफ है, तो उत्तरी अक्षांश, देखिए गलती मत करना, पृथ्वी के ग्लोब में तो ये उत्तर की तरफ ही है ना भारत, पृथ्वी के ग्लोब में दक्षिण की तरफ नहीं है ना, तो हम यहाँ दक्षिण नहीं लिख सकते, ये भारत का दक्षिणी पॉइंट है, लेकिन पृथ्वी के संदर्भ में ये क्या है, उत्तर में ही स्थित है। समझ में आया। फिर ये देखिए आप पूर्वी देशांतर 68 डिग्री और 7 मिनट, पश्चिमी देशांतर, सॉरी वेस्ट है ना, पश्चिमी देशांतर, और ये 97 डिग्री और 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये यहाँ वेस्ट नहीं ईस्ट ही आना चाहिए, क्योंकि ये भी पूर्व की तरफ ही है ना, ये जो इस तरह से पूर्व की तरफ ही है, तो इसे आप ना पूर्वी देशांतर है ये, और ये भी पूर्वी देशांतर है, तो ये विस्तार है भारत का, इतना फैला हुआ है भारत। लंबाई कितनी है भारत की, इस उत्तरी पॉइंट से लेकर दक्षिणी बिंदु तक भारत कितना लंबा है, कितनी इसकी लंबाई है, तो देखिए कितनी है,
3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर्स उत्तर से लेके दक्षिण की भारत की जो लंबाई है, उसी तरह पूर्व से पश्चिम से लेके पूर्व की ओर कितना है, तो वो है 2,933 किलोमीटर। कितना है? 2,933 किलोमीटर पश्चिम से लेके पूर्व तक के इसका विस्तार है, इतना मतलब ये इसकी लंबाई या जो कह दें। उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, तो आपने देखा अभी 3,214 किलोमीटर। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार है बताइए किलोमीटर में, पूर्व से और पश्चिम से पूर्व की ओर कितना विस्तार है तो वो बताइए। तो आप ये याद करना है, इनको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था ना, हमने पीछे पढ़ा था वो पॉइंट, 23 डिग्री और 30 मिनट, ये देखिए कर्क रेखा, मैंने आपको ये बोला था ना कर्क रेखा ये जा रही है, कर्क रेखा इस तरह डॉट 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 करते हुए जो है ना, ये भारत को, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग, ठीक है। तो कर्क रेखा विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, वो पूरी पृथ्वी को बांटती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन यहाँ मैं कर्क रेखा की बात कर रही हूँ, ठीक है। कर्क रेखा जिसे 30 डिग्री 30 मिनट से जो जाती है वो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अब जैसे विषुवत रेखा ने बांटा तो हमने नाम दिया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसी तरह कर्क रेखा के जो ऊपर का ये भूभाग स्थित है ना, आप देख रहे हैं, तो ये बोला जाता है उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है इसको, और जो ये दक्षिण की तरफ है ना कर्क रेखा से, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है, ठीक है। ये हो गया उपोष्ण जो कर्क रेखा से उत्तर की तरफ है, और जो कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ है उसे बोलेंगे उष्ण कटिबंध, ठीक है। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको इतना नहीं याद रह रहा तो आपको इतना ज़रूर याद रहना है, रखना है कि कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरती है भारत से, तो 23 डिग्री 30 मिनट या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश से। देखिए कोई भी आप स्थिति लिखे ना, साथ में उसका अक्षांश या देशांतर लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना गलत हो जाता है, वरना उसे सही नहीं समझा जाएगा। अगर आपने इतना लिख दिया ना एग्जाम में आया कर्क रेखा और 30 डिग्री 30 मिनट, तो आपको आधे ही पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि आपने इसके आगे की स्थिति तो बताई नहीं कि उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी, जो भी, तो इसमें लिखना ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आया? उत्तरी अक्षांश ये लिखना आपको ज़रूरी है। ये देख लिया आपने, अरेबियन सी, अरब सागर पश्चिम की ओर, बे ऑफ बंगाल पूर्व की ओर, ये रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे जो फैला हुआ है, और ये रहा लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है, पश्चिम की ओर। क्लियर यहाँ तक? चले आगे, देखते हैं आगे क्या है स्टूडेंट्स के लिए, आगे क्या है, आगे स्टूडेंट्स के लिए आकार क्या पढ़ेंगे अब हम। आकार स्थिति देख ली कि कहाँ कहाँ स्थित है भारत विश्व के संदर्भ में, उत्तरी गोलार्ध में, और खुद भारत के अगर मुख्य भूभाग का अक्षांश और देशांतर, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे आकार, ठीक है, कितना बड़ा है ये, ठीक है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, टोटल जो एरिया है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा जो भारत है पूरा फैला हुआ है कुल क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल। आगे क्या कह रहा है हमें कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगी। देखिए क्या लिखा है, देखिए मैप से मैं आपको बताऊं वापस, तो ये जो है ना, ये पूरा जो ये फैला हुआ है ना भारत, ये जो दिख रहा है आपको मुख्य भूभाग, ठीक है, ये कितना है, ये इसमें बोला है कि ये कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पूरी जो जिसमें भारत का पूरा भूभाग है। फिर ये बोल रहा है कि जो पूरा भूभाग है ना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये कितना है, ये पूरे विश्व का 2.4% है, 2.4% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है। अगर पूरा विश्व का भौगोलिक परसेंट अगर हम परसेंट में 100 माने तो भारत उसमें कितना पार्ट रखता है, 2.4%, और ये 2.4% किसके बराबर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर में बोले तो इतना है, परसेंट में बोले तो 2.4% है पूरे विश्व का अगर हम ले तो, ठीक है।
आगे क्या पॉइंट है कि भारत विश्व का, देखिए भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है या किस नंबर पे भारत आता है, तो 7वें नंबर पे। मतलब क्या है कि भारत से आगे 6 देश और भारत से क्या हैं, बड़े हैं क्षेत्रफल में, जनसंख्या में नहीं। देखिए यहाँ साफ लिखा है हम क्षेत्रफल की ही बात कर रहे हैं, हम अभी तक जनसंख्या पे नहीं आए हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा कि भारत तो चीन के बाद दूसरा है, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो जनसंख्या में है, जनसंख्या में हम चीन के बाद दूसरे नंबर पे हैं और आने वाले कुछ टाइम में पहले नंबर पे भी होंगे। बट अभी क्या है, क्षेत्रफल में हम कौन से हैं, 7वें बड़े देश हैं, हम 7th नंबर पे हैं। हमसे पहले 6 ऐसे देश हैं जिनका जो एरिया है ना वो हमारे भारत से भी, मतलब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है। और वो 6 देश कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। पहले ये देखें, भारत की स्थल सीमा जो मतलब लैंड है, स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। भारत, ये देखिए क्या टाइप हो जाता है ना कभी कभी, भारत लिखा है, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पे नवीनतम वलित पर्वत है, और आप बता सकते हैं वो नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है, तो वो उसका नाम है हिमालय, ठीक है। जो भारत का जिसको शीर्ष कहा जाता है, भारत का ताज कहा जाता है, जो भारत के उत्तर में, उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, ठीक है। क्या बात, आपको यहाँ पे पहले 2 पॉइंट मैंने समझाए कि कितना क्षेत्रफल है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंट में देखें कि विश्व के टोटल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%, ठीक है। कौन सा स्थान आता है, तो 7वें नंबर पे भारत अपना स्थान रखता है, इससे 6 देश इससे और बड़े हैं, ठीक है। इतना पॉइंट। अब देखिए यहाँ से जो ये पॉइंट कह रहा है ना, ये क्या है ये आप समझिए। इसमें लिखा है जैसे ये भारत है, ठीक है। अरे देखिए, आप सभी भी मैप की प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि आप जितना मैप के साथ में अपनी पढ़ाई करेंगे ना, उतना इंटरेस्टिंग भी बनेगा और आपको समझ में ज़्यादा इजी आ जाएगा। तो आप मार्केट से मैप बुक ले आइए, और जितना ये मैं बता रही हूँ अक्षांश देशांतर, अपने मैप में पहले देख के लिखिए, फिर अगले पेज पे बिना देखे खुद से लिखिए कि मुझे याद हुआ या नहीं, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो देखिए क्या लिखा है कि जो ये स्थलीय सीमा है, ठीक है, स्थलीय सीमा जो मतलब स्थल, अब यहाँ तो क्या है, यहाँ से तो समुद्र शुरू हो जाता है, यहाँ से अरेबियन सी और यहाँ बंगाल की खाड़ी, तो इसे तो हम मानेंगे नहीं। इससे ऊपर जो स्थलीय सीमा है जो दूसरे देशों से लगती है, ठीक है, ये कितनी है, ये बता रहा है ये कि 15,200 किलोमीटर है, पूरी सीमा नहीं, क्योंकि यहाँ समुद्री सीमा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, समुद्र लगता है पास में, तो ये काउंट नहीं होगी। सिर्फ स्थल मतलब जिसकी भारत की सीमा स्थल से लगती है, पास में कोई ज़मीन है, भूभाग है, वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। और जो ये जो लक्षद्वीप है और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बे ऑफ बंगाल में, इनको मिला के, इनकी सीमा को भी मिला के, जो ये समुंदर की सीमा है ना, इस तरह आप देख पा रहे हैं ये जो ये वाली, ये कितनी है, तो ये बोल रहा है ये है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया आपको कि जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, वो तो 15,200 किलोमीटर है, लेकिन जो स्थलीय सीमा है और इस स्थल की सीमा में हमने लक्षद्वीप की सीमा और जो अरेबियन सी है उसकी, सॉरी अंडमान और निकोबार, इनको मिला के कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, ये बोल रहा है ये चीज़। उसके बाद वलित पर्वतमाला जो इस तरफ है, ये उत्तर पश्चिम की तरफ और ये उत्तर पूर्व की तरफ, मतलब ये जो हमारा हिमालय है ना कुछ इस तरफ फैला हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और उत्तर में भारत के शीर्ष में हिमालय फैला हुआ है, जिससे सारी नदियाँ निकलती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। अगला चैप्टर है ना, उसमें हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि हिमालय में कौन सी चोटियाँ हैं, क्या नहीं है, कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है, ये अगले चैप्टर में। अभी के लिए आप इतना देखिए हिमालय कहाँ है, हो गया। अब आगे चले, देखिए आगे क्या है, मैंने बोला था ना कि 6 बड़े देश हैं भारत से पहले, कौन कौन से हैं आप बताइए। रूस सबसे पहले, ठीक है, 1 नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, कनाडा,
फिर तीसरे नंबर पे कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, ठीक है, फिर चौथे नंबर पे चीन, पांचवें नंबर पे ब्राजील और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे कौन है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो देखिए, भारत से पहले कौन से छह बड़े देश हो गए, ये नाम पूछा जा सकता है, या फिर एक ऑप्शन दे देंगे और उसमें से बोलेंगे कि चलो बताइए कौन सा नहीं है भारत से बड़ा देश। तो जब आपको याद ही नहीं होगा तो आप कैसे बता पाएंगे। तो ये ज़रूर आप नाम याद कीजिए, रूस है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये भारत से क्षेत्रफल में बड़े देश हैं। देखिए, रूस तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा, 17.09 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में ये है, तो आप देखिए कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये याद करना है इनका, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनका पॉइंट में कितना प्रतिशत है ये याद करें, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन नाम ज़रूर याद करना, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भारत से क्षेत्रफल में 6 बड़े देश हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने भारत की अक्षांश देशांतरीय स्थिति भी देख ली, अब हमने देख लिया कि बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी कितनी सीमा लगती है, चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर हमने देखा कर्क रेखा की स्थिति क्या है, वो भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने भारत की मतलब कहाँ स्थित है वो भी देख लिया विश्व के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप में। अब हम इसमें देखेंगे कि भारत विश्व के संदर्भ में, मतलब जो और भी, जैसे आपने ये तो पता होगा ना कि 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं भारत पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि ये पूरे विश्व के संदर्भ में हमारा भारत कहाँ है और इसकी स्थिति कहाँ है। दिख रहा है आपको, ये है ग्लोब और ग्लोब पे ये है हमारा भारत है, ठीक है। ये जो नीचे है ये कौन सा महासागर है, ये हिंद महासागर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको बताया ही था, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कौन सा, अरेबियन सी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और इस तरह ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये कौन सा महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। तो भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से आ सकता है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। ये पूरा एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया ही है, जो सात है ना, सात कंटिनेंट में जो सबसे बड़ा है वो एशिया ही है, ठीक है। और उसमें भारत स्थित है, उसमें भी भारत कहाँ स्थित है, देखिए दक्षिण की ओर, ठीक है। एशिया महाद्वीप में भी भारत की स्थिति क्या है, कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ये रहा एशिया महाद्वीप, ये रहा एशिया महाद्वीप का कौन सा पश्चिमी विस्तार, ये रहा पूर्वी विस्तार, ठीक है। देखिए आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये पश्चिमी विस्तार है, ये पूर्वी विस्तार है, ठीक है। और ये यहाँ क्या बोल रहा है, कि भारत का जो भूखंड है ना, वो इस एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में ही हुआ ना, पूर्व से और पश्चिम के बीच में स्थित है। फिर क्या बोल रहा है, कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अभी अभी जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि भारत एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है, दक्षिण में, साउथ में, नीचे की तरफ स्थित है एशिया महाद्वीप की, ये वही कह रहा है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये रहा हिंद महासागर, ठीक है, देख लिया। अब ये क्या बोल रहा है, कि पश्चिम में, इधर है पश्चिम, यूरोपीय देश, ये रहे यूरोपीय देश, ये व्यापार करने कैसे आते होंगे, इस तरह जो फारस की खाड़ी, लाल सागर, यहाँ से इधर हिंद महासागर में। ये रहे पूर्वी देश, ठीक है, पूर्वी, यहाँ जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, जापान, ये भी व्यापार करने इधर से आते हैं हिंद महासागर में, अगर व्यापार करना हो तो। तो देखिए, पूर्वी एशियाई देशों और पश्चिम के जो यूरोपीय देश हैं, इनके बीच में हिंद महासागर के थोड़ा ऊपर की ओर हमारा भारत स्थित है। तो हिंद महासागर क्या भारत को सेंट्रल पोजिशन, मतलब बीच की स्थिति प्रदान करता है, इधर से भी बीच में, इधर से भी बीच में, ठीक है, आप इसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कि 82° 30' पूर्वी देशांतर भारत की मानक या मोत्तर रेखा माना गया है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। प्रधान मानक या मोत्तर रेखा कौन सी है, 82° 30'। अब सोच रहे होंगे कि मैम प्रधान मानक या मोत्तर रेखा ही क्या होती है, यही नहीं पता, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या होती है और ये
इसका क्या संदर्भ है हमें पढ़ने का, ये मुख्य तो क्या होती है ना, समय को, समय के संदर्भ में। अभी हम अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं और हम बताते हैं कि इतने बजे इतने बजे, आप कैसे बताते हो? आपके फ्रेंड को फ़ोन करते हो आप, उससे पूछते हो कितना बजा है, तो वो भी वही टाइम बताएगा जो आपकी घड़ी में हुआ है। तो ये एक समय कैसे निर्धारित होता है, ठीक है, ये एक ही समय, चाहे आप भारत के इस कोने में हो उस कोने में हो, सब जगह एक ही समय घड़ियाँ दिखाती है। तो ये कैसे दिखाती है, ये किस रेखा के संदर्भ में दिखाती है, तो वो रेखा कौन सी है, प्रधान मानक या मुद्दर रेखा, जो 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरती है, उसको हमने मान लिया कि इसके अकॉर्डिंग जो टाइम होगा वही पूरे भारत में मान्य होगा। क्योंकि अगर नहीं मानते ना, तो कहीं 5 बज रहा होता, कहीं 7, कहीं 10, तो फिर कैसे हम अपने काम करते, ठीक है, नहीं होता। मैं बोल रही हूँ आपकी 11 बजे क्लास है, आपकी घड़ी में बज रहे हैं 2, तो फिर वो होता ही नहीं ना। उसको मैच करने के लिए पूरे भारत में एक रेखा को हमने क्या माना, प्रधान या मुद्र रेखा, प्रधान प्राइम रेखा, और उसके अकॉर्डिंग हमने अपने समय को क्या कर लिया, एक ही कर लिया, यूनिफॉर्म कर लिया, ठीक है, मतलब एक ही समय निर्धारित कर लिया। चलिए आगे क्या है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, पूरे विश्व के संदर्भ में अगर मैं आपको बता दूँ, उत्तर अमेरिका, इस तरफ दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, दीज आर 7 कॉन्टिनेंट, ये 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, आपने देख लिया, जिसमें से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन स्थित है, भारत स्थित है, ठीक है, और ये भारत, ये जो पूर्वी एशियाई देश है इनको, और पश्चिम के जो यूरोपीय देश है, ठीक है, ये इनके हिंद महासागर जो है भारत को बीच की स्थिति देता है दोनों इन देशों के संदर्भ में, ये देखा हमने, ठीक है। ये देखिए 0 डिग्री है देशांतर रेखा, अक्षांशीय रेखा, मैंने आपको बताया था ना सबसे पहले, तो ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश से ये देखिए उत्तर की ओर, ये सारे जो देश है ना, ये उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे है ये दक्षिणी गोलार्ध, और ये जो 0 डिग्री देशांतर है ना, इसको बोलते हैं, जैसे हमारी प्रधान मानक या मुद्र रेखा हमने 82 डिग्री 30 मिनट माना, वैसे पूरे विश्व की कौन सी है, ये वाली 0 डिग्री देशांतर, ये जो इस तरह अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए अटलांटिक जो नीचे या अंटार्कटिका तक जाती है, ठीक है, इसको प्राइम मेरिडियन लाइन पूरे वर्ल्ड की ये है, ठीक है। इसके संदर्भ में सारे देश अपना समय निर्धारित करते हैं, और ये अक्षांश जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसके उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का ये पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा, ये अटलांटिक महासागर हो गया, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, ये आपके 5 क्या हो गए, महासागर हो गए, ठीक है। तो भारत कहाँ है आपको पता होना चाहिए, और भारत के एशिया महाद्वीप के पास में कौन सा महाद्वीप है, यूरोप है, इस तरफ अफ्रीका है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, आपको पता ही होगा। तो अब हमने भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में देखी कि पूरे विश्व में हमारा भारत कहाँ स्थित है, ठीक है। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमा, जिनकी स्थलीय सीमा हो चाहे जलीय सीमा हो, भारत से लगती है, ऐसे कौन कौन से देश हैं, ठीक है। भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, हमने समझ लिया। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये अभी की बात है, आपकी बुक में हो सकता है 8 की जगह 9 लिखे हों, ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान से सुनना, जो दमन एंड दीव और दादरा और नागर हवेली जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको मर्ज कर दिया गया, उनको इकट्ठा करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो कितने रह गए, 8, फिर क्या हुआ, 7, फिर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले राज्य था ना जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उसका एक पार्ट था, अब क्या हुआ, उस राज्य को तोड़ के जम्मू और कश्मीर अलग यूटी केंद्र शासित बना दिया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो टोटल हमारे कितने हो गए, अब 8 हो गए, ठीक है, क्योंकि एक पहले मर्ज हो गया, मिल गया पूरा, और 2 नए बन गए, तो पूरे 8 केंद्र शासित, और एक राज्य यहाँ से माइनस हो गया ना, क्योंकि वो राज्य तो केंद्र शासित प्रदेश में बट गया, तो 28 राज्य रह गए। नया राज्य बना था तेलंगाना, लेकिन जम्मू कश्मीर हट गया, तेलंगाना
अब पूरा 28 उसमें मर्ज हो गया। तो आप समझ सकते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन राज्यों में अभी जम्मू कश्मीर नहीं आएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है, तो ये तो अभी लेटेस्ट है, ये जो अभी है आपकी बुक में हो तो इसे चेंज कर लेना, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको यही लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए हम पड़ोसी देश देखते हैं, उत्तर में कौन सा है, नॉर्थ में चीन है, नेपाल है और भूटान है, उत्तर की ओर, भारत की उत्तर की ओर पड़ोसी देशों की बात हो रही है। पूर्व की ओर ईस्ट में, इस तरफ नॉर्थ ईस्ट, इस तरफ पूर्व में म्यांमार है और कौन सा है, बांग्लादेश है। ठीक है, दक्षिण में है श्रीलंका, मालदीव नीचे। ठीक है, इनकी क्या लगती है, जलीय सीमा लगती है। ठीक है, जलीय सीमा, क्योंकि स्थल से ये भारत से मतलब मिले हुए नहीं है, पड़ोसी सीमा जो है इनकी जलीय सीमा लगती है। फिर है उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम में कौन सा है, हमारे जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा है ना, वो अभी POK से लग रही है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जिस जो हमारा ही हिस्सा है, पाकिस्तान ने जिस पे कब्जा कर रखा है उससे अफगानिस्तान की सीमा लगती है, लेकिन इसे हम अपना ही पड़ोसी देश कहते हैं क्योंकि वो पार्ट तो हमारा ही है, आज भले ही उनके पास हो। तो इस तरह उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, कैसे याद करेंगे, उत्तर में चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान। ठीक है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, दक्षिण में कौन सा है, श्रीलंका और मालदीव, और उत्तर और पश्चिम में कौन सा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ये देखिए मैप के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ये प्रैक्टिस अपने मैप में करनी होगी। ठीक है, आज जो हम देख रहे हैं ये रहा उत्तर, ये रहा पश्चिम, और यहाँ कौन सा है, पाकिस्तान, और ये देखिए अफगानिस्तान की, ये देख पा रहे हैं हम, थोड़ी सी सीमा भारत से लगती है लद्दाख के क्षेत्र से ऊपर, लेकिन ये अभी जो है ना ये क्षेत्र ये पाकिस्तान के कब्जे में है, तो अभी ये सीमा POK से लगती है। ठीक है, फिर पाकिस्तान से देखिए जम्मू एंड कश्मीर की सीमा लग रही है, ये देख रहे हैं, फिर पंजाब की सीमा लग रही है, फिर राजस्थान की सीमा लग रही है, और फिर गुजरात की सीमा लग रही है पाकिस्तान से। फिर ये तो हो गया उत्तर और पश्चिम में, उत्तर में नॉर्थ में किसकी सीमा लगती है, चीन का तिब्बत वाला भाग। ठीक है, चीन का तिब्बत जो इलाका है उससे, ये देखिए लग रही है ना ये पूरी सीमा चीन के तिब्बत से। फिर इधर किससे लग रही है हमारी सीमा, ये नेपाल से, नेपाल से हम जुड़े हुए हैं। फिर भूटान से, ये देखिए इस तरफ, और फिर ये तो हो गया उत्तर, अब आ जाइए पूर्व की ओर, ये रहा म्यांमार और ये रहा बांग्लादेश। तो देखिए म्यांमार की सीमा हमारे जो उत्तर पूर्वी जो राज्य है ना, जिनको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, उनसे लगती है। सेवन सिस्टर्स में से कितने सिस्टर्स के साथ लगती है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, चार राज्यों के साथ म्यांमार अपनी सीमा बनाता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश ये आप देख पा रहे हैं, ये जो बीच में है भारत के, ये बांग्लादेश है, और इसकी सीमा किससे लग रही है, इसकी सीमा देखिए पश्चिमी बंगाल से लग रही है, इधर सिक्किम से लग रही है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। बांग्लादेश अपनी सीमा भारत के इन राज्यों से बना रहा है। चलिए आ जाइए अब दक्षिण में, देखते हैं दक्षिण में क्या है, श्रीलंका ये रहा और मालदीव ये रहा। तो श्रीलंका देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये जल संधि है, इसका नाम क्या है, इसको हम पाक जल संधि बोलते हैं, क्या, पाक जल संधि। ठीक है, इससे ये भारत से मुख्य भूभाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आता है मालदीव, ये दिख रहा है मालदीव यहाँ पे, और मालदीव की जलीय सीमा है, मतलब ये पड़ोसी जलीय पड़ोस जिसकी जलीय सीमा लगती है स्थल से नहीं, तो वो मालदीव हो गया। ठीक है, ये हिंद महासागर में दो देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, जो भारत से अपनी जलीय सीमा बनाते हैं। ये हो गया उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान, उत्तर में हो गया चीन, नेपाल, भूटान, उत्तर पूर्व में हो गया म्यांमार और बांग्लादेश, और दक्षिण में कौन से दो देश हो गए, श्रीलंका और मालदीव। अब आपको ये काम करना है कि आपको ना कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ, उनका नाम अलग से लिखना है। कि आप पहले लिखेंगे पाकिस्तान कौन से राज्य सीमा बना रहे, अफगानिस्तान कौन से राज्य,
फिर ऐसे ही नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार सबका नाम लिखेंगे इस, और फिर उसे मैप में भी अध्ययन करेंगे। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना पड़ोसी देशों का क्लियर हो जाएगा। एक इमेज बननी चाहिए जब भी पड़ोसी देशों का आ जाए मैप में कि पाकिस्तान इस तरफ है, अफगानिस्तान इस तरफ है, उत्तर में ये देश हैं, दक्षिण में ये हैं, तो इस तरह से, ठीक है। अब आपके लिए जो है वो आपको क्या, एक तो ये पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं आपको, फिर आपको एक काम और करना है कि जो कर्क रेखा देख रहे हैं आप, ये कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उन राज्यों के नाम आपको लिखने हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। हालांकि इस मैप में आपको दिख रहे होंगे लेकिन आप ये खुद से करेंगे मैप देख के, ताकि आप मैप को अध्ययन करें, आप मैप को एक बार देखें कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या क्या स्थित है, कौन सा सागर स्थित है, कौन से देश स्थित है और सब कुछ, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा आज, पड़ोसी देश पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने भारत की स्थिति देखी कि भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ है, विश्व के संदर्भ में कहाँ स्थित है, ठीक है, हिंद महासागर कैसे इसको केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। फिर हमने क्या देखा, ये तो हो गया विश्व के संदर्भ में। फिर हमने देखा कि 6 बड़े देश भारत से कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के आधार पर, उनके नाम आपको याद करने हैं। फिर भारत का आकार क्या है, कितना क्षेत्रफल है, कितने परसेंट है विश्व का, 2.4%, ठीक है। सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, हिमालय कहाँ स्थित है। फिर हमने ये मैप के माध्यम से देखा कि कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है, ऊपर का भाग उपोष्ण कटिबंधीय, नीचे का भाग उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अरब सागर यहाँ है, बंगाल की खाड़ी यहाँ है, ये सब हमने देखा। फिर ये तो कोड था, ठीक है। और इस तरह हमने जो भारत की स्थिति और आकार का आज अध्ययन किया। कुछ जो पॉइंट्स आपके रह गए हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूरज के उगने में 2 घंटे का अंतर क्यों है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन कि कन्याकुमारी और जम्मू में जो है दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है, वहाँ सूरज कम देर तक चमकता है उत्तर में, दक्षिण में ज़्यादा चमकता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं ना जो इसी चैप्टर में रिलेट होते हैं, जो इसी चैप्टर के संदर्भ में हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, इस चैप्टर को वापस पढ़ना है। कोई भी आपका डाउट है किसी भी वर्ड को लेके या कुछ भी लाइन को देके कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगी। सबको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है ना, सब बच्चों को समझ में आना ज़रूरी है। अगर आप यही नहीं समझेंगे तो आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं ना कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है, नदियाँ कौन सी है, वो थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, आराम से, कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें याद करने की है, मैप से ज़रूर पढ़िए। पढ़ रहे हैं तो मैप साथ में रखिए, उससे समझ अच्छा आएगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं आपका कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करिए और बताइए कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।